साहिबगंज में फिर से जारी है पत्थर का अवैध खनन। ईडी के रडार पर कई बड़े अधिकारी और कारोबारी है। गुरुवार को ईडी ने दाहू यादव के तलाश में साहिबगंज में छापेमारी की थी। सूत्रों का दावा है कि साहिबगंज में फिर सक्रिय हो गया है दाहू यादव। जेएमएम का करीबी फिलहाल फरार बताया जा रहा है दाहू यादव। तो जेएमएम से बेहद करीब है दाहू यादव, फिलहाल इस वक्त फरार बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दाहू यादव फिर से सक्रिय हो गया है और लगातार इसकी तलाश जारी है। साहिबगंज में फिर से पत्थर का अवैध खनन जारी है। अधिकारी ईडी के रडार पर है कई बड़े अधिकारी और कारोबारी। गुरुवार को ईडी ने दाहू यादव के तलाश में साहिबगंज में छापेमारी की थी। सूत्रों की माने तो साहिबगंज में फिर से दाहू यादव सक्रिय हो गया है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि जेएमएम का बेहद करीब है दाहू यादव। फिलहाल दाहू यादव फरार चल रहा है। तो साहिबगंज में फिर से पत्थर का अवैध खनन शुरू हो गया है। ईडी के रडार पर कई बड़े अधिकारी हैं और कई बड़े कारोबारी अब ईडी के रडार पर हैं। गुरुवार को ईडी ने दाहू यादव की तलाश में साहिबगंज में छापेमारी की थी। सूत्रों की माने तो साहिबगंज में फिर से दाहू यादव सक्रिय हो गया है और सूत्रों की अगर बात मानते हैं तो ये भी बात सामने आ रही है कि जेएमएम की बेहद करीब है दाहू यादव। साहिबगंज में फिर से पत्थर का अवैध खनन शुरू हो गया है। ईडी के रडार पर कई बड़े अधिकारी हैं। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, दाहू यादव पर फिर से ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, छापेमारी भी की है। खबर यह सामने आ रही है सूत्रों की माने तो जेएमएम से खास नाता है दाहू यादव का, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए साहिबगंज में हुए अवैध खनन के मामले को लेकर के ईडी लगातार जो है वो जांच कर रही थी। बीते 8 जुलाई 2022 को ईडी ने जो है पहली बार छापेमारी की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, उनके करीबी दाहू यादव, बच्चू यादव समेत कई लोगों के अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी और उस छापेमारी में 5.5 करोड़ रुपया जो है वो कैश के साथ लगभग 11 करोड़ रुपया जो है वो बैंक में जमा जो पैसा है उसे ईडी ने सीज किया था, जब्त किया था। और उसके बाद जब पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था, समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पंकज मिश्रा, बच्चू यादव को ईडी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन दाहू यादव फरार उसी वक्त से हो गए थे जब वो ईडी के रडार पर आए थे। ईडी के द्वारा उन्हें कई बार समन जारी किया गया था, वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद पीएमएलए की विशेष कोर्ट से जो है फिर उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ, लेकिन अब तक जो है वो ईडी के गिरफ्त से दूर है। और पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से ईडी की जांच चल रही है और एक बार फिर इस मामले को लेकर ईडी रेस हुई है और साहिबगंज के इलाके में जो पत्थर के अवैध रूप से जो खनन की जा रही है उसको लेकर ईडी छापेमारी की है और उस छापेमारी में कई अहम ईडी को जानकारी मिला है। और इस जानकारी के मुताबिक अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है, लेकिन इतना साफ है कि दाहू यादव के अलावा कई ऐसे अफसर हैं जो ईडी के रडार पर है, कई ऐसे कारोबारी हैं जो ईडी के रडार पर है, तो इन लोगों पर भी जो है ईडी की शिकंजा जो है आने वाले समय में कस सकता है। क्योंकि जिस तरीके से 1250 करोड़ रुपए की अवैध तरीका से अवैध खनन खासतौर पे साहिबगंज के इलाके में हुई है और इस पूरे मामले को लेकर ईडी गंभीरता से जाँच कर रही है और दाहू यादव जो कि पंकज मिश्रा का करीबी है और पंकज मिश्रा जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है, तो समझ सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे परिस्थिति में अब जिस तरीके से ईडी रेस हुई है और जिस तरीके से छापेमारी की है, आने वाले समय में दाहू यादव के अलावा कई ऐसे अधिकारी और जो कारोबारी है वो ईडी के रडार पर होंगे, उन पर कहीं ना कहीं जो ईडी की अगर नाता जेएमएम से है और उनके विधायकों से है तो क्या ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि कोई विधायक कोई नेता इसमें शामिल हो? कभी भी अभी तक जो है वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और बल्कि वो फरार हो गए हैं। वारंट जारी होने के बाद भी वो ईडी के गिरफ्त से दूर है और यही वजह है कि लगातार उस पूरे मामले को लेकर खासतौर पे दाहू यादव की गिरफ्तारी को लेकर भी तमाम तरह के जो प्रयास है वो की गई, लेकिन अब तक उन ईडी को और नहीं पुलिस को किसी भी तरह का कोई सफलता मिली है, उनको नहीं गिरफ्तार कर पाया गया है। तो अब जिस तरीके से ईडी रेस हुई है तो दाहू यादव के साथ साथ जो है कई ऐसे अधिकारी और जो कारोबारी है वो ईडी के रडार पर है, जिसकी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती है जिस तरीके से ईडी एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच को आगे बढ़ा रही है। जी ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। We'll be right back.
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और